नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह में आज सोमवार दिन के 11 बजे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नामांकन पर पत्र दाखिल करने की शुरुआत के साथ ही पंचायत चुनाव कार्य में गति आ गई है। आज नामांकन प्रपत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम थी। जिला परिषद सदस्य के लिए दीपा कुमारी वर्मा ने गिरिडीह सदर प्रखंड के पश्चिमी भाग 37 के नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। दीपा कुमारी ने बताया कि उसने पॉलिटिकल साइंस से स्नातक की है और विगत 6.5 साल से अपने क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होकर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। फिर से क्षेत्र की जनता का मत मिला तो और बेहतर के रूप में प्रतिनिधित्व करने का काम करूंगी। बढ़िया रहेगा, फिर इनका नया शुरू होगा तो अच्छे से ये काम करेगी। हम लोग को तो अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी भी है। जी, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, संस्कारी हैं, अपने जो है सो अपना इनका अपना क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। अच्छा है, कार्यक्रम में हाँ अच्छा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती, अच्छा काम करती हैं, अच्छी हैं, इसलिए हम लोग तो खैर सपोर्ट इन्हीं को करना चाह रहे हैं। दीपा कुमारी वर्मा के समर्थन में आई, बहुत अच्छी है। इनका कौन कौन सा माने गुण आपको अच्छा लगा जो इसके समर्थन में आई है? इसका सारा गुण अच्छा हमको लगा, सब चीज में ही एक्टिव है, खुद से अपने काम को अपना संभालती है। जिला परिषद से। किस क्षेत्र में पड़ता है? गिरिडीह भाग संख्या 37 से। ये आपका जो 6.5 साल बीता कार्यकाल वो कैसा रहा? वो तो अच्छा रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ और जनता लोग से गुजारिश करती हूँ कि इस बार भी हमें भारी मतों से विजय कर इस बार भी मौका दें। फिर से आपको मौका मिलना चाहिए। हाँ जरूर,